हेलो फ्रेंड्स, एकता होम फूड्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कटहल कोरमा बनाने की विधि बताऊंगी। इस तरह का कटहल कोरमा ये ऐसा बनेगा कि इसके आगे मटन कोरमा, चिकन कोरमा सब फेल है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कटहल कोरमा कैसे बनाते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने आधा किलो कटहल साफ करके लिया हुआ है। अब ये मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, हमको इसमें ये कटहल डाल देना है। ऑयल गर्म हो गया तो हमको इसमें कटहल डाल देना है और इसको गुलाबी होने तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, जब तक हमारा कटहल देखिए फ्राई हो रहा है, तब तक हमको मीडियम आंच पर कटहल को फ्राई करना है। जब तक हमारा कटहल फ्राई हो रहा है, देखिए हम दही का एक मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने दही अच्छे से फेंट के एक कटोरी दही ले ली है। अब हमको इसमें ये हल्दी पाउडर एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमको इसमें इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कटहल देखिए गुलाबी गुलाबी फ्राई हो गया है। अब हम इस कटहल को हमको एक कढ़ाई से इसको निकाल लेना है सारा कटहल। फ्रेंड्स, देखिए हमने कटहल अपने निकाल लिया था, हमारा फ्राई हो गया था गुलाबी गुलाबी। अब इसी ऑयल में ये देखिए हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज काट के लिए हैं। अगर आपके प्याज छोटे हों तो आप तीन या चार भी कर सकते हैं। तो हमने ये इसको हमको इसी ऑयल में डाल के इसको भी हमको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन फ्राई होगी। अब हमको इस स्टेज पे ही प्याज को निकाल लेना है अनियन को, क्योंकि अनियन में ट्रांसफरेबल हीट होती है। आप जितना डार्क निकालेंगे उससे थोड़ा और डार्क ये होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज हमने निकाल ली है। अब जब प्याज हल्की ठंडी हो जाएगी, इसमें थोड़ा पानी डाल के हमको इसका एक मिक्सर में पेस्ट बना लेना है। अब फ्रेंड, इसी कढ़ाई में देखिए हमको ऑयल थोड़ा कम कर देना है। और अगर आपने कढ़ाई अगर भारी नहीं ली है तो आप कोई और बर्तन ले लीजिएगा, जैसे कुकर या हांडी। पर मैंने भारी पेंदे की कढ़ाई ली, तो मैं इसी कढ़ाई में ही कोरमा बनाऊंगी। तो अब आप इसमें से हम ऑयल कम करके इसमें एक या डेढ़ टेबल स्पून ऑयल को हम इसमें छोड़ेंगे। फ्रेंड, देखिए हमने सारा ऑयल निकाल के इसमें सिर्फ देखिए एक टेबल स्पून आप देख सकते हैं ऑयल हमने इसमें छोड़ा है। और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसी समय हम इसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। और देसी घी डालने के बाद जो हमने अपना दही का पेस्ट तैयार करके रखा था, उस पेस्ट को हम इस कढ़ाई में डालेंगे। और दही डालने के बाद ये याद रखिएगा कि आपको लगातार चलाते रहना है, डाल के हमको इसको लगातार चलाते रहना है, अपने हाथ को नहीं रोकना है। दही कितने अच्छे से भुन गया है आप देख सकते हैं। दही जितना गाढ़ा रहेगा उतना ही जल्दी ये और अच्छे से भुनेगा। फ्रेंड, दही डालने के बाद एक बात ध्यान रखनी, दही डालने के बाद आपको अपना हाथ रोकना नहीं है, इसको बराबर चलाते रहना है। क्योंकि अगर आपने दही बराबर नहीं चलाया तो दही जो है वो फटी फटी उसका पानी अलग होगा। दही का नेचर है फटना, फटेगी, पर अगर आप उसको बराबर चलाते रहेंगे तो उसके जो क्रम्बल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए दही हमारी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हमको क्या डालना है, देखिए एक बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, ये थोड़ी सी जावित्री, दो खड़े लाल मिर्च, दो तेज पत्ता, छः सात आठ से दस काली मिर्च और तीन से चार लौंग। और ये मैंने तीन छोटी इलायची रोकी है, इसको हमको अच्छे से कूट के या इसका पाउडर बना के वो हमको इसमें डालना है। और इसमें एक चीज़ हमको डालनी है, ये दो चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमको इसमें डालना है। और ये मैंने आधी छोटी चम्मच हींग ली है, ये इसमें डालनी है। और इन सबको भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है। जब ये इसको कम से कम एक से दो मिनट तक हमको चलाते हुए भूनना है। फ्रेंड, देखिए तीन जो छोटी इलायची थी इसको हमने क्रश कर लिया। इसको जो हमको प्याज हम पीसेंगे इसी के साथ इन तीन छोटी इलायची को बारीक बारीक पीस लेना है।
देखिए फ्रेंड्स, एक से दो मिनट हो गए हैं, हमारे मसाले अच्छे से जितने हमने डाले थे सब भुन गए हैं, सबका फ्लेवर खूब अच्छा सा आ रहा है। अब हमको इसमें जो हमने अपना प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी हमको इसमें डाल देना है, जो फ्राइड प्याज का पेस्ट बनाया था, और इसको भी अब हमको हल्का सा सिर्फ आधे मिनट तक भूनना है, क्योंकि हमारा प्याज जो है वो फ्राइड है। अब मिक्सर में थोड़ा जो प्याज भर गया है उसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसमें उसको डाल देंगे, देखिए, और इसको आधे मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सब मसाले कितने अच्छे से भुन गए हैं। अब इस स्टेज पे हमको इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, तो स्वाद के अनुसार इस स्टेज पे हम इसमें नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, देखिए नमक हमने डाल दिया है, अब हम इसमें अपना ये कटहल जो है वो डालेंगे, मिक्स करेंगे। कटहल क्योंकि हमारा फ्राइड है तो हम इसमें आधी गिलास पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, जिससे हमारा कटहल बहुत टूटे ना। इसको आधी गिलास पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम एक लास्ट चीज़, हमने 1.5 चम्मच गरम मसाला लिया है, मैंने एकता होम फूड्स का गरम मसाला यूज़ करा है, मैंने इसमें कोई भी कोरमा मसाला या कुछ भी नहीं डाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पर इससे बहुत टेस्टी कोरमा बन के तैयार होगा। अब इसमें हमको आधी गिलास पानी और डाल देना है, और अब हमको इसको हल्का सा मिक्स करके स्लो फ्लेम पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकाना है। तभी मैंने आपसे पूछा था कि आप कढ़ाई जो है वो, मैंने आपसे बताया था कि भारी तले की कोई भी बर्तन लीजिएगा। अब हमको इसको, हमने पानी डाल दिया, अब हमको इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गए थे, हमारा कटहल भी खूब अच्छे से पक गया था। अब हमको इसमें लास्टली में देखिए 1 चम्मच कसूरी मेथी को रोस्ट करके तवे पे और क्रश करके वो हमको इसमें डालनी है, सिर्फ 1 चम्मच कसूरी मेथी, और थोड़े और जायफल को लेके सिर्फ 2 बार हमको इस पर कद्दूकस करना है, सिर्फ 2 बार, जिससे कि इसका बहुत तीखा टेस्ट ना आए। कि फ्रेंड्स, हमने कसूरी मेथी और जायफल को क्रश करके इसमें डाल दिया था, अब इसमें हमको एक चम्मच या कटी हुई थोड़ी सी धनिया हमको इसमें डालनी है, और इसको फिर मिक्स करके हमको इसको सर्व करना है। आपका टेस्टी कटहल कोरमा तैयार है। इस तरह से आप कटहल कोरमा बनाइए, मुझे यकीन है कि आप अगर नॉनवेज कोरमा खाते हैं तो आप वो कोरमा खाना भूल जाएंगे इस कटहल कोरमा के आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब हम सर्व करते हैं, अपना टेस्टी कटहल कोरमा को हम सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी कटहल कोरमा बनके तैयार है। अब इसको थोड़े से धनिया के पत्तों से इसकी गार्निशिंग करिए, और इसका रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, जिस भी चीज़ के साथ आपको इसका मज़ा उठाना है, इसका मज़ा उठाइए। फ्रेंड्स, हर बार की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे आने वाले नए अच्छे अच्छे यूनिक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे वीडियोस में आप देखते हैं कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होता जो आपको घर पे अवेलेबल ना हो। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमको अप्रिशिएट करते रहिए, और इस कटहल कोरमे को बनाकर इसका आनंद उठाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय।